वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज रॉकिंग इन व्लॉग्स। और आज कुछ फिर से खास है। वो क्या है? अब है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। जी हाँ, भाभी का और इनके पापा का बर्थडे दोनों का जस्ट 3 to 4 डेज के डिफरेंस पे आता है। उसका 16 का, इनका 20 को होता है। तो इस बार अब हम फैमिली को इकट्ठा करना नई कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड राइट नाउ माय हेल्थ इज़ वेरी वेरी लो। क्या हुआ है क्या नहीं वो सब किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे, बट अभी मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा मतलब लाइक डिज़ास्टर, बहुत वर्स्ट चल रही है कंडीशन। तो फिलहाल लाइफ में थोड़ी शांति चाहिए और ज़्यादा भागा दौड़ी और इधर उधर वाला, इन लोगों को इकट्ठा करने वाला अभी और हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो वी हैव डिसाइडेड कि कल रात मैं और इन्होंने डिसाइड किया है कि कहीं शांति से वाली जगह चलते हैं, जस्ट वानर अराउंड, ज़्यादा दूर नहीं। और वहाँ पे सिर्फ भाभी, मैं और ये तीनों शांति में बैठ के केक कट करते हैं एंड इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज अभी ज़्यादा लोग कुछ पसंद नहीं आ रहे, थोड़ा सा ना मेजअप चल रही है लाइफ, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंडीशन ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ और ये सब चल पड़ा है। तो भी बताऊँगी क्या हुआ है क्या नहीं। तो अभी आज मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, एक रात के लिए जा रहे हैं, जस्ट वन नाइट, आज रात जाते हैं वहाँ स्टे करते हैं, बर्थडे सुबह मॉर्निंग मनाते हैं और अपने घर आ जाएंगे। बस थोड़ी सी देर की शांति चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं एक सरप्राइज प्लान करती हूँ इनके लिए और बताती नहीं हूँ इनको, बट वही है ना, मियाँ भी, यार ये मक्खी कहाँ से आ गई, मियाँ बीवी जब साथ रहते हैं ना तो वो एक दूसरे को समझते हैं और मुझे लगता है मेरा पति कुछ ज़्यादा ही समझ जाता है। तो उन्हें लग गया था कि ये इस बार कुछ करना चाह रही है लेकिन बता नहीं पा रही, तो उन्होंने मुझसे सामने से ही पूछ लिया। तो मैंने बोल दिया कि यार ऐसे ऐसे करके मैं सोच रही थी कि कहीं अच्छा सा होटल में रूम बुक कराऊं और वहां हम दोनों मतलब भाभी के साथ शांति से केक कट करते हैं। तो अभी ऐसा है कि अब उनको पता चल तो गई थी, तो वो बोलते हैं नहीं इंदु, हम पहले बुक नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं और तब हम थोड़ा सा देख के फिर अपना बुक कर लेंगे, ऐसा पहले नहीं करके चलते हैं, ऐसा पता नहीं चलेगा कितना अच्छा है कितना नहीं। तो चाहिए भी तो एक रात के लिए ही ना, तो थोड़ा सा हमें फनी तो करना है। हाँ थोड़ा मतलब मैं बताऊँ, मेरी कंडीशन ये है कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब मेरा छूट गया था बीच में, अदरवाइज मेरी बड़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं वापस से चीज़ें स्टार्ट कर सकूँ, खुद को खुश रखने के लिए भी। और जब आपकी हेल्थ डाउन होती है तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें आप बिज़ी रहो और खुश रहो, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और भाभी के पापा मेरी लाइफ के, मेरी दुनिया के और मेरे इस घर के किंग हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन के लिए वो पूरा वो जो उनका दिल चाहता है ना, मतलब अच्छी से अच्छी चीज़ खाना, अच्छे से चीज़ पहन, जो उनका दिल करता है मैं चाहती हूँ बस वो करे वो। तो इस बार मैं उनके लिए कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस यही थोड़ा सा, पहले तो सोचा था कि कुछ सरप्राइज बड़ा सा प्लान करते, बट हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो वो सब नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर ऑफिस से। लेट मी टेक अ ब्रेक। अभी मैं आ गई ऑफिस से और ये आने वाले हैं, भाभी है अपनी नानी के घर, तो जस्ट एक रात के कपड़े पैक कर रहे हैं और चलते हैं, देखते हैं। अभी सच बताऊँ कुछ प्लान नहीं है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि निकलना है कहीं। ओके, अब हमने ले लिया है भाभी को नानी के घर से और हम निकल रहे हैं कहाँ, कसौली। और ये रहे पापा जिनका है कल बर्थडे, ये बर्थडे बॉय है, बर्थडे बॉय आज गाड़ी संभालेंगे और मैं छोटे बाबू को संभालूंगी। भाविक से हेलो। चलिए मिलते हैं आगे।
ये हम पहुंच गए हमारे होटल। ये है हमारा होटल, ये रहा हमारा शैतान और ये रहे बर्थडे बॉय। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे क्या है, इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी, इतने सारे प्लांट्स। हमारा होटल बड़ा सुंदर है और वैसे नॉर्मली यहाँ पे टेम्परेचर इतना गर्म था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही यहाँ पे फुल बारिश हो गई और मौसम इतना अच्छा हो गया ना कि फुल बारिश। बाबा ब्लैक शीप को सुना दो। अच्छा मुझे पता चल गया, रिकॉर्ड करो क्या, ये बंद करो। एक घंटा लगा, ज्यादा देर नहीं। क्या बोली गुच्छी? तो अभी हम अपने रूम में एंटर पहले कर चुके थे, लेकिन हमने कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ा बहुत खाने के लिए हम अभी तक यहाँ पे, एक बहुत अच्छा रूफ टॉप रेस्टोरेंट है तो हम वहीं पे बैठे हुए थे। अभी मैं आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ, क्यूट सा, छोटा सा, अच्छा सा रूम है, पीसफुल एरिया है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इधर एक अलमीरा दे रखी है, मिरर है एक बहुत बड़ा, इधर वॉशरूम हो गया, दिस इज बेड, एसी लगा हुआ है, देयर इज नो फैन, एसी लगा हुआ है, बट आई डोंट थिंक एसी की इतनी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है कि हमें ठंड लग रही है और हम घर से सिर्फ 1 घंटा दूर है, फिर भी इतना मौसम चेंज। टीवी है, सोफा है, कान्हा जी हैं, सबसे दी बेस्ट थिंग, कान्हा जी हैं हमारे रूम में, राधा रानी और कान्हा जी, और फ्रिज है, हॉट वाटर केटल, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सोफा फॉर सिटिंग, फॉर लैपटॉप वर्क, देयर इज अनदर टेबल, और दिस इज द ब्यूटिफुल बालकनी where I can show you the whole view. मुझे रूम के लिए बेस्ट जो व्यू चाहिए था वो ये चाहिए था कि मुझे बालकनी चाहिए, और बालकनी से मुझे ये ऐसे ठंडी ठंडी हवा और ऐसे दूर की वो लाइटिंग ये सब दिखे, जहाँ मैं ये आराम से चेयर पे बैठ के चैन की सांस ले सकूँ। पता नहीं अपने वहाँ एरिए में आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पोल्यूशन और बहुत लोग हो गए हैं,
वेट अ सेकंड, देयर इज अ कॉल। तो अभी मैंने, क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गो नियर बाय मार्केट और समथिंग कि मैं कुछ प्लान कर सकूँ या कुछ यहाँ पे कर सकूँ, इवन मेरी वो कंडीशन भी नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ होटल वालों की कृपा से एक चीज पॉसिबल हो पा रही है, वो है केक, छोटू सा केक और फ्लावर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी में देयर इज नो फॉर्मेलिटीज, जो मिल जाए उसी में खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा द बेस्ट गिफ्ट हमारा भाभी को हमारे साथ है और हम इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, हम एक अच्छा सा केक कट करना चाहते हैं, आपस में खुश रहना चाहते हैं और मुझे पता है मेरे हस्बैंड को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। तो थोड़ी देर में करेंगे डिनर, क्योंकि अभी हमने हल्का फुल्का स्नैक और चाय वगैरह ले लिए, थोड़ी देर में करेंगे डिनर। अभी भाभी कहाँ है मैं आपको दिखा के लाती हूँ, भाभी कहाँ है, भाभी कर रहा है मस्ती। यहाँ से हमारी रूम वाले एरिया की एंट्रेंस है, अभी मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी है। मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि भाभी क्या कर रहा है, कहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाती रहती हूँ इस तरह से यहाँ बाहर। और मैं दिखाती हूँ भाभी कहाँ गया। ये रहा भाभी, क्या कह रहे भाभी, क्या पे बोला ये रोज देना है पापा को, दे दो ये, फिर पापा केक काटेंगे, पापा केक काटेंगे, फिर दो पापा को दे दो। हैप्पी बर्थडे, पापा खिलाएंगे, पापा खिलाएंगे, हैप्पी बर्थडे, पापा खिलाएंगे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पति दे, हैप्पी। अरे पहले आप खाओगे, आप हमेशा यूं ही खुश रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे साथ हर दिन ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहे। ये भाभी क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग इनको पे पर कर ले, कहीं चार पल आप लात मारा, लात मारा गया। नो 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 बेटो, नहीं मारूंगा। देख पीछे हो जा, हाथ नहीं लाना। अच्छा चलो भाभी की बारी, भाभी खाएगा। ले पापा खिलाएंगे, पापा खिलाएंगे ना, इससे खिलाएंगे पापा आपको। अरे रोज भी तो लाए थे, रोज कहाँ गया, रोज का तो बना दिया पत्ता इसने। ये रोज ना हमारे छोकरे के हाथ में लग गया था। सो क्योंकि कसौली में भारी बारिश के चलते, कैमरा ना टिक नहीं रहा, कसौली में भारी बारिश के चलते रोज अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो एक आर्टिफिशियल फ्लावर ही अवेलेबल हो पाया। तो आज की शाम मेरे पति के नाम ये फूल, ताकि आप इसी फूल की तरह मुस्कुराते रहो हमेशा। थैंक यू। कैसा लगा केक, अच्छा है, टेस्टी है। भाभी भाभी पापा को बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। वेरी नाइस। भाभी पापा को केक खिलाओ, पापा डाल के दे, डाल के दे, पापा दे देंगे डाल के, पकड़ो खिलाओ पापा को, खालो खालो। थैंक यू मम्मी, मम्मी
ले 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 खिला दे खिला दे, किससे खिलाएगा खिला दे, आपने कहा खाना है फिर पापा को खिलाओ, आज गंदे कर लिए ना, कोई बात नहीं दीदी से। तो ये हो रही है बर्थडे की शुरुआत, ठीक है। हमने इस बार बर्थडे बड़ा सिंपल सा रखा, हमने जैसा आपको बताया था कि वैसे इनका बर्थडे हमारे लिए काइंड ऑफ ब्लेसिंग है, क्योंकि इतनी गर्मी में से यहाँ आए थे, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर, सोचा था थोड़ी शांति है, तो यहाँ पे इतनी बारिश होकर इतना ठंडा मौसम होकर मजा ही आ गया। अच्छा पति देव आप कितने खुश हो, आपको यहाँ के कैसा लगा? अरे यार जन्नत में आ गए, वहाँ तो बट्टी बट्टी बन रही थी, बट्टी बन रही थी, सच में इतनी गर्मी थी, और यहाँ आके बहुत सुकून मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी दिन भर की भाग दौड़ में लगे हुए हैं और खिला पापा भी खिलाए आपको, और आपकी बीवी भी दिन भर अपने बच्चे ऑफिस और घर में बिजी है, तो कभी एक दिन निकाल के ना, ठीक है आप लोगों के पास टाइम नहीं है दूर जाने का, हमारे पास भी नहीं था, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी इस टाइम पे, तो आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पे जा सको, क्योंकि फैमिली के साथ बिताया हुआ टाइम ना सबसे बेस्ट होता है। कभी कभी दुनिया इकट्ठी करके सेलिब्रेशन करने से अच्छा लगता है कि आप परिवार के 3 लोग ही सेलिब्रेट कर लो, उसमें जो सुकून और खुशी है वो कभी कभी वो भीड़ में नहीं है, तो करके देखो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी हम अपना केक एंजॉय करते हैं, खाते हैं और फिर सोएंगे। अभी अच्छा हमने डिनर किया था, डिनर करके हम वॉक करके आए, हमने वो सब शूट नहीं किया बिकॉज बाहर बारिश होने की वजह से इतना अंधेरा है, कुछ दिखना तो था नहीं था। आपको सुबह की, यहाँ की सुबह दिखाएंगे, कसौली की सुबह कैसी थी, ठीक है, वो कल हम आपको दिखाएंगे, हम जल्दी उठेंगे आपको फिर दिखाएंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी बर्थडे टू माय लव, He is king of my life. Thank you. इन्हें देखो क्या कर रहा है ये। बर्थडे किसी का भी हो, गंदी सी नहीं पाना है। खा लो आपका। बेटा आपको फुर्सत मिले तो हम खाएं कुछ। कमान तो अपने हाथ में ले ली। Okay guys, bye bye. See you in the morning. Good night. सारा केक खराब कर दिया ने। A very good morning everyone, और हो चुकी है सुबह, देखो a beautiful morning, beautiful. अभी सिर्फ 5 बजे हैं और काफ़ी रोशनी है यहाँ, मौसम साफ ही है। ये देखो हमारी बालकनी से क्या दिख रहा है, रेनबो। ये ऊपर से फुल ऐसा सर्कल में बना हुआ है, हाफ सर्कल जैसा होता है, और अभी सुबह के 5:30 हुए हैं, 5:30 बजे सुबह सुबह रेनबो दिख रहा है, क्यों यहाँ पे सुबह सुबह ऊपर से धूप हल्की हल्की किरणें आने लगी हैं, यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है। और ये रहा बर्थडे बॉय, विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, लुक How lucky you are. God आपको विश कर रहा है, आपके लिए स्टेटस लगा है भगवान ने आज आसमान में। ओके तो अब हम हो चुके हैं रेडी और सुबह के बज चुके हैं 7, लगने वाला है खाना जो कि हमें होटल की तरफ से आज बफे में मिलने वाला है। मैंने पहनी है ये ड्रेस, सेम स्लीपर्स बिकॉज मैं हूँ इसमें कंफर्टेबल, और अभी मैं ले रही हूँ झूले के मज़े, और अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। भाविक कर रहा है, भाविक लाया है अपनी गाड़ियाँ छोटी छोटी सी, और उसको वो यहाँ पे
घुमा घुमा के चला रहा है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत अच्छी मॉर्निंग है, मज़ा आ रहा है। गरम गरम पानी से नहाए यहाँ पे, दिसंबर वाली फील आई, बहुत टाइम बाद गरम पानी से नहाया है तो अच्छा लगा काफ़ी। ठंडा मौसम है पूरा और वादियाँ आप देख सकते हैं पीछे मेरे, देखो। फिर देखेंगे घंटे दो घंटे के अंदर फिर निकलते हैं खाना खुना खा के। मैं दिखाऊँ आपको, टेरेस पे है होटल हमारा और वो ऊपर जो रूफ टॉप है वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम खाना खाने जाएंगे। अभी अभी बफे लगने ही वाला है तो फिर वहाँ पे खाएंगे। वो खड़े हैं भाविक के पापा और भाविक चला रहा है अपनी गाड़ियाँ, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। बाय द वे आज भाविक बहुत स्मार्टी बॉय लग रहा है, दिखाओ। आ रही हूँ, वो मुझे बुला रहा है, आ जाओ ना, वहाँ क्यों बैठे हो। सिंगिंग के मूड में हो रही हूँ, हालांकि बकवास खाती हूँ बट मज़ा आ रहा है। इन वादियों को देख के गाने याद आ रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ सैर पे निकल रहे हैं। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The glass so as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. पहुंच गए हम अपने घर, अभी बज रहे सिर्फ 11:15। हम कितने बजे चले थे वहां से? 10 बजे चले थे, 1.5 घंटे में अपने घर आ गए, 1.25 घंटे में। चलो तो ये था इस ब्लॉग के बारे में, अभी पता नहीं आगे का क्या रहता है।
रात को कोई प्लान है या नहीं अभी कुछ नहीं पता, अगर कुछ प्लान हुआ तो वो मैं ऐड कर दूंगी, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अभी भाविक रास्ते में ही सो चुका है क्योंकि वो थक गया, वो ढंग से सोया नहीं था, सोए हम भी नहीं हैं, लेट केक कट करके फिर सुबह जल्दी उठ गए थे। तो थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, फिर देखते हैं अगर फैमिली के साथ कहीं जाने का बनता है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा तो हम इसे और लंबा करेंगे। ठीक है, चल बाय। अब हम वापस से तैयार होके रात के डिनर के लिए जा रहे हैं, मैंने सेम ड्रेस पहनी है, बस निकल रहे हैं अभी, हड़बड़ी में हूँ, बाद में करती हूँ बात। भैया ने नोटिस किया है मेन्यू भी ऊपर रखा हुआ है।